मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने चौराहे पर अपने पति की बाइक पर दूसरी महिला को बैठे देखा तो वह नाराज हो गई। वह तुरंत पति के पास पहुंची और चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। गुस्साई पत्नी को देखकर बाइक पर बैठी महिला तुरंत गायब हो गई। चप्पल से पिटाई के दौरान पति ने पत्नी को धक्का दिया और बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग गया। इसके बाद पत्नी भी वहां से चली गई। आपको बता दें कि यह घटना शिवपुरी के गुरुद्वारा चौराहे की है। यूपी के रजिस्टर्ड एक बाइक लेकर चौराहे से निकला। उसके साथ बाइक पर एक महिला सवार हुई थी। अचानक एक दूसरी महिला ने बाइक पर सवार महिला को देखा। देखते ही वह चिल्लाकर बोली, रुक, और हाथ में चप्पल लेकर तुरंत बाइक सवार के पास पहुंच गई। महिला के हाथ में चप्पल देखकर दूसरी महिला वहां से भाग निकली, लेकिन महिला ने बाइक सवार की पिटाई करना शुरू कर दी। यह नजारा देखकर वहां भीड़ एकत्र हो गई। इसी दौरान मालूम हुआ कि पत्नी अपने पति की पिटाई कर रही थी। पत्नी ने बाइक पर अपने पति को दूसरी महिला के साथ बैठे देखा था, जिससे वह नाराज। महिला का कहना था कि उसका पति इस महिला के साथ घूमता है। पिटा हुआ पति बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग गया और महिला भी पति को कोसते हुए वहां से चली गई। इस घटना की पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं दिखाई, लेकिन लोगों ने वीडियो जरूर बना लिया।